हम आज पहुंचे हैं खेरवाड़ी, जहां पर एक गरीब बच्ची की शादी कराई जा रही है, जो कि शादाब पटेल सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने करा रहे। वहां मौजूद है एमएलए वारिस पठान। क्या कहते हैं जनता? वारिस भाई क्या कहना चाहेंगे? वारिस भाई क्या कहना चाहेंगे शादी को लेकर? मैं सबसे पहले मुबारकबादी पेश करूंगा जायंट ग्रुप को और सेवा ग्रुप को, जिनकी पूरी लेडीज़ विंग आप देख रहे हो यहाँ पे मौजूद है, जिन लोगों ने आज एक बहुत अच्छा कार्य किया, एक गरीब लड़की की शादी कराया। देखिए हदीस में भी है, किसी के लिए आप ये करो, अल्लाह सुबहान तआला दोनों जहाँ में इसका बेहतर से बेहतर अजर देगा, दुनिया में भी, आखिरी में, आखिरत में भी। और आज आप खुद देख सकते हो कि शादी का अरेंजमेंट किस तरह हुआ है। जिस तरह से लोग अपनी बेटियों की शादी कराते हैं बड़े लोग, उसी तरह से आज यहाँ ये सारी हमारी बहनों ने मिलके इतना अच्छा प्रोग्राम रखा, फंक्शन रखा, कैसा लगता नहीं है कि कोई और शादी में हम आए। बड़ी खुशी की बात है और मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह इनको इसी तरह हिम्मत दे और इस तरह कार्य करते रहे, और हम लोग के लायक कोई भी काम हो इनको इस तरह में तो हम हमेशा साथ में तैयार रहेंगे। सोसाइटी में इतना अच्छा मैसेज जा रहा है। बिल्कुल, लोगों के लिए एक इबरत है कि देखिए जायंट ग्रुप मुंबई सेंट्रल और सेवा का जो ग्रुप है, बैंड्रा का, मुंबई का, दोनों का मिला के इनकी मेहनत देखो, जिसमें शादाब पटेल, फबिया पटेल, सारी हमारी जो बहनें, सबके नाम नहीं बताऊं, उन लोगों ने इनिशिएटिव लिया है कि हम शादी करेंगे। आज एक शादी के लिए आपको पता है कितना खर्चा लगता है, कितनी बहनें हमारी बिना शादियों के बैठी हुई है क्योंकि उनके माँ बाप नहीं करा सकते। और ये इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया है, ये एक पूरी समाज में, सोसाइटी में मैसेज भेजता है, आगे आओ, ऐसे नेक काम में सबको आगे आकर मिलकर इनका साथ देना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि लोगों को ऐसा लगेगा कि हमको भी करना चाहिए, और इंशाल्लाह आगे के दिनों में हम देखेंगे कि इस तरह की काफ़ी ऐसी शादियां बॉम्बे शहर जैसे में होगी इंशाल्लाह। बात करते हैं फबिया जी से। मैडम, ये शादी हमेशा एक सोशल इवेंट रहा है या एक नेक काम हमेशा आप करें, क्या कहना चाहेंगे आप? और शादी से बात करिए, एक पहले मैं जानना चाहूँगा शादी का ख्याल कैसे आया आपके दिमाग? शादी तो सुन्नत रसूल है, तो इसका ख्याल की बात ही नहीं होती है, ये तो एक फ़राइज़ है, आंखों के सामने है। बच्चियां जहां बड़ी नहीं होती घरों में, तो माँ बाप की फिक्रें चालू हो जाती है। तो बस अल्लाह ताला हमसे ये काम लिया है, आगे और ले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हम सब बहनें यहां पे जो दिख रही है, वक्त की कमी है, मेहमान ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, बस अल्लाह हम सबको और हिम्मत दे और हमसे ज़्यादा काम ले। मैं बहुत खुश हूँ ये चीज़ में, जो औरतों ने आकर इनिशिएटिव लिया है, आगे बढ़ बढ़ के गरीब लड़कियों की शादियां करा रही है। अल्लाह इनको और नेक हिदायत दे, इनके ग्रुप को और अल्लाह पाक कामयाब करे कि लोग ये जाकर एक जो लड़कियों के घर नहीं बस रहे, जाकर घर बसाए। अल्लाह पाक उनको सेवा ग्रुप, बैंड्रा का और ये कौन सा है, जॉइंट ग्रुप, वाकई में बहुत अच्छा काम किया, एडमायरेबल है। अल्लाह उनको और तौफीक दे कि ये और शादियां कराए हमारी जो लड़कियों बैठी हुई है शादियों के लिए। अल्लाह शादी हो रही है, सबका एक चेहरा, सबके चेहरे पे हंसी आ रही, क्या कहना चाहेंगे? खुशी है, एक खुशी का माहौल देख रहे हैं उसके अंदर में, क्योंकि माँ बाप को सबसे बड़ा टेंशन अपनी औलाद की शादी का होता है, तो वो टेंशन आज हम लोगों ने दूर किया है। उसमें हमारा कुछ नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी थी और हमारी मेहनत थी, उस वजह से आज हम इस मकाम तक पहुँचे हैं कि हमने उनका ये बीड़ा पार कर दिया। शुक्रिया। हम जानना चाहेंगे, जैसे आप वारिस पठान की वाइफ है और आज आजकल कुछ ही दो सालों से आप बहुत सोशल वर्क में नजर आ रही है, तो क्या इलेक्शन के लड़ने की कुछ नहीं, ये बात की नहीं है, अभी लोग मुझे पहचानने लगे हैं, नहीं तो पहले पहचानते नहीं थे, जब वो बने तो जब लोग को पहचानने है कि ये मिसेस पठान है, तो अभी समझ में आता है। आपको बहुत एक वारिस पठान की खुद की अपनी बहुत अच्छी छवि है पूरे हिंदुस्तान देश भर में, बस। और उसके बाद आपका भी नाम अभी बहुत सोशल वर्क में, देखो जितना जितना हो सकता है इंशाल्लाह हम करने की कोशिश करें। नहीं, मैं अपने भाई को सपोर्ट करूंगी, बस सोशल वर्क में हम बड़े खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ये नाजिया से, ये ग्रुप इतना अच्छा ग्रुप अभी दिखाया जा रहा है, क्या आगे भी जारी रहेगा? इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज खास फबिया को मुबारकबाद देने आई हूँ, इतना बड़ा इन्होंने आज काम किया है, ये बहुत बड़ी मुबारकबाद के लायक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनकी ऐसी तरक्की करते रहे और खूब 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 काम करें। सोशल एक्टिविटी से आज शादी करा रहे हैं गरीब बच्ची की, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। आज ये वारिस भाई आई है ना, आज ये हम लोग ने हमारी जो रिक्वायरमेंट आती रहती है हम लोग के पास सोशल कॉजेज़ के अंदर, ये एक बहुत ही अजीम रिक्वायरमेंट थी कि बच्ची की शादी कराना था, जिसके अंदर हम लोगों ने, काफ़ी लोगों ने, अल्लाह के बहुत सारे लाल है, सब मिलजुल कर एक ये प्रोग्राम किए, बच्ची का रिसेप्शन किए,
और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने लोग आए यहाँ पर। सक्सेसफुल इवेंट है बहुत। अल्लाह उन बच्ची को और जो लड़का है दोनों को अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। कॉन्सेप्ट माइंड में कैसा है? ये कॉन्सेप्ट माइंड में ऐसा आया कि हमारी काफ़ी एनजीओज है और लोग जो है वो हमको ये हमारे पास रिक्वेस्ट आती रहती है, कभी किसका क्या रहता है, कभी कुछ ऑर्फेनेज का रहता है इशू, कभी कुछ और इशू रहता है, कभी कुछ मेडिकल रहता है। ये शादी का इशू था। क्या मैसेज देना चाहिए आखिर में? मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई जो सोशल वर्क करते हैं और जो समाज सेवा करते हैं उनसे भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप आगे बढ़ाएं, इस तरीके का प्रोग्राम करते रहे। इसके अंदर सवाब जारी है और बहुत ही अच्छी सुन्नत है ये। बहुत बहुत शुक्रिया।